खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। करनाल के उपायुक्त ने गांव दादपुर को लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर ड्रोन कैमरे से मैपिंग के कार्य का किया शुभारंभ। ग्रामीणों के साथ गांव की गलियों में घूमकर पटवारी द्वारा की गई मार्किंग का लिया जायजा। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शनिवार को गांव दादपुर को लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर ड्रोन कैमरे से मैपिंग कार्य का किया शुभारंभ और कहा कि गांव को लाल डोरा मुक्त बनाने की हरियाणा सरकार की यह एक अच्छी पहल है। इस प्रोजेक्ट के आने से पहले लाल डोरे के अंदर रहने वाले ग्रामवासियों को काफ़ी तकलीफ होती थी, अब इस तकलीफ से निजात मिलेगी क्योंकि डिजिटल फोरम से ड्रोन द्वारा की गई फोटोग्राफी में प्रॉपर्टी को जो गांव के लाल डोरे के अंदर है वे आबादी देह में है, उनको एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी अलग से मिलेगा। हर प्रॉपर्टी मालिक को अलग से दी जाएगी। उस प्रॉपर्टी आईडी से राज्य सरकार उनको एक कन्वेक्स के माध्यम से एक निश्चित मालिकाना हक देने का कार्य करेगी। K9 मीडिया के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। आज की जो हमारी विजिट थी वो सरकार की एक नई पहल है लाल डोरा मुक्त गांव करने की, उस सिलसिले में थी। इसमें सिरसी गांव तो पूरे हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जो लाल डोरा मुक्त हो चुका है। इसी कड़ी में हमने दादूपुर को भी टेकअप किया हुआ है। सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से गांव का सर्वे जो है ड्रोन के ज़रिए से किया जाना है, उसके संदर्भ में आज विजिट थी। तो जो लाल डोरा के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चूने की मार्किंग करके और सर्वे करा करके उनको अलग अलग आईडीज़ प्रदान की जाएंगी और उसके बाद जो लोगों को टाइटल के या ओनरशिप की डीड रजिस्टर करा करके पूरे गाँव वासियों को दी जाएगी ताकि उस डीड के ज़रिए उनको आगे कोई भी किसी भी तरह की सहूलियत लेनी हो, चाहे लोन लेना हो या उसको ट्रांसफ़र करना हो, सेल आउट करना हो, तो वो आसानी से करा सकें। सर कितने गांव चिन्हित किए गए? टोटल 6 गांव इसमें लिए गए हैं। सिरसी इसमें पूरा हो चुका है, उसके अलावा 5 गांव और ले रखे हैं, उनमें से दादूपुर एक है। सर आज दादूपुर में हमारे माननीय DC सर आए थे और हमारे पूरे सरपंच एसोसिएशन जिला करनाल ने बुक्का दे के DC साहब को सम्मानित किया और जो सरकार की ये पहल है लाल डोरा मुक्त करना, जिससे पहले लाल डोरे के अंदर जो भी मकान जो जगह होती थी वो जिसका कब्जा उसी की होती थी, अब सरकार की पहल है भाई गांव में, उससे गांव में झगड़े ज़्यादा होते थे आपस में, अब जो लाल डोरा मुक्त करने जा रही है जिसके लाल डोरे के अंदर जो भी मकान है ना जिसका कब्जा है उसके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। उस रजिस्ट्री से गाँव के लोग बैंक में रजिस्ट्रियाँ रख के लोन भी ले सकते हैं, सेल आउट करना अपना सेल आउट भी कर सकते हैं, प्रॉपर सारा सिस्टम हो जाएगा। अच्छा प्रयास है सरकार का, बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का। क्या नाम है? मैं प्रवीण रवाल, जिला प्रधान सरपंच एसोसिएशन। हमारे से रूबरू होने का मौका मिला जो आज AD साहब आए थे और लाल डोरा मुक्त के लिए गांव में आए थे, और इससे पहले हमारा गांव से पहले सिरसी जो हरियाणा का पहला गाँव है वो लाल डोरा मुक्त हो चुका है, दूसरा नंबर हमारे गांव का। क्या कुछ लाल डोरे में क्या कुछ फैसिलिटी आपको मिलेंगे, क्या समस्या पहले आती थी? लाल डोरा खत्म हो जाएगा, ये जो लाल डोरा है लाल डोरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो जितने भी लाल डोरे के अंदर मकान आएंगे उनकी रजिस्ट्री होगी और वो भी 50 या 100 रुपए के शुल्क पर होगी। अच्छा प्रयास है सरकार का ये सोर, क्या? जी बिल्कुल अच्छा प्रयास है सर। क्या नाम है आपका? मेरा अमन सर। कौन से दादूपुर।